वन विभाग लाख दावे करे कि अगर किसी व्यक्ति को जंगली जानवरों से किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उनके इलाज में जो खर्च होता है उसका मुआवजा तुरंत हो जाता है, लेकिन इस प्रकार नहीं होता। इसी प्रकार का उदाहरण ग्राम देलारी की संत कुमार राठिया का है, जो जंगलों में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गई हुई थी और अचानक जंगली सुअर उस पर आक्रमण किया, जिससे उसका पैर वहीं पर टूट गया। लेकिन आज 6 महीना गुजर जाने के बावजूद उसको 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला है। जंगली सुअर आके एकदम हमला कर दिस ना, तो मैं एकदम बेहोश हो गई। मोला कुछ हुआ था पता नहीं रही, पानी थोपिन पियाइन कान नाकला फूकिन तहाँ ले मोर होश आ रही, तहाँ ले मोला खड़ा करवाइन तो मैं खड़ा हो नहीं सके, तहाँ ले पैर ला देखी मन किसे खड़ा नहीं होते का, तो मोर पैर हाथ टूट गया रही से एम्बुलेंस ला बुलाई से, तहाँ ले मोला हॉस्पिटल ले गई। के दिन ले भर्ती रहा अस्पताल में? हॉस्पिटल में तो 1 महीना ले पूरा रही, एकदम भिखारी जैसे हो गई। वहाँ ले 1000, वहाँ ले 1500, वहाँ ले 500, अब का खाली संग दोस्ती यार मन मोला लड़का मन के जुम्मन ओई मन मोला भी मोला बचाई है। तो 8 बजे मारी से बढ़ा तो हमें बेहोश पड़ गए, होश आई तो तनमार में रहे। हाँ, तनमार में वैसे कितना खर्चा हो गया इस मतलब? तनमार में 7000। हाँ, ओकर बाद रायगढ़ में 15000 वहाँ खर्चा हो गया। हाँ, आवाज तक मुआवजा कछु नहीं मिले है? नहीं मिले, सरपंच भी के मोर से नहीं बने के। पीड़ित व्यक्ति को कि आपके पास जितने भी बिल हैं और जो भी आप कुछ दवाई उसने ऐसी लाया था हमको दिखाया, इसका बिल नहीं रखा था, चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया है, उन चिकित्सक का दस्तखत लेकर के हमको दीजिए, हम तत्काल आपका प्रमाण तैयार करके बिल प्रस्तुत करेंगे और भाजन जब 5 होकर आएगा तो आपको तत्काल राशि भुगतान हो जाएगी, आज तक नहीं दिया। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से निवेदन है कि वर्तमान DFO श्री राजेश पांडे को 9826134076 पर कॉल कर दबाव बनाए, ताकि इन लोगों को अपने हुए खर्च का मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।